तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं नेगेटिव्स क्या क्या है इस गाड़ी के। पॉजिटिव्स की वीडियो मैंने अभी इससे पहले आपको प्रोवाइड कराई थी, कल आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद इसको देखने में मज़ा आएगा। अब जो हम इसकी दबा के बुराई करने वाले, क्या कुछ इसमें खराब लगेगा आपको, क्या कुछ इसमें बुरा लगेगा, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है, सब कुछ आज मैं आपके सामने चिट्ठा धरा खोल के रख दूंगा, क्या कुछ अच्छा है इसमें, क्या कुछ बुरा है। तो अब यहाँ बात नहीं करेंगे, एक्सटीरियर इंटीरियर आपने पहले देख लिया, अब चलेंगे इसके ड्राइविंग सीट पे, वहीं आपको बताएंगे इसके बारे में क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो चलिए आपसे मिलते हैं आप ड्राइविंग सीट पे। तो भाई आ गए अब हम गाड़ी के अंदर, तो अब हम इसको चलाएंगे और बताएंगे क्या कुछ इसमें बुरा लगता है। इंजन से रिलेटेड ही नहीं, जितनी भी सारी कमी है गाड़ी में सभी अभी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप ये देखोगे 2000 से पहले गाड़ी एक्टिव होगी नहीं, 2000 तक टर्बो लैग आपको देखने को मिलेगा, 2000 के बाद एकदम से डीजल इंजन में जो पुश आता है वो पुश आपको इसमें देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। ऐसा कुछ है, पिकअप अच्छा है बट 2000 आरपीएम क्रॉस करने के बाद ही पिकअप गाड़ी लेगी, उससे पहले एकदम डेड टाइप का सा होगा। एसी ऑन कर लेते हैं, काफी गर्मी अब आने लगी है, तो सब कुछ मैनुअल देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ा ऑटोमेटिक दे देते तो यार अच्छा रहता। अब इसमें सबसे बड़ी कमी देखो मैनुअल में क्या होती है, अब एसी ऑन कर लिया हमने, अब हमें थोड़ा ये कूलिंग इतनी नहीं, आधी चाहिए, आधी कर ली हमने, बट जो क्या आधी जो है इन दोनों में ही होगी, ये फिर भी हम निकाले फुल प्रेशर से अपना ठंडा ही फेंकेंगे, ये सिस्टम होता है मैनुअल वालों में। ये बड़ी दिक्कत है यार, ये नहीं होना चाहिए था। आपको यहाँ पे भी अगर यहाँ से कम कर रहे हो तो पूरे में कम होना चाहिए ना, ये क्या है उसमें धीरे हो जाएगा, इसमें फिर भी चिल्ड फेंकेगा, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है भाई टोयोटा, ध्यान रखो इस चीज़ों का। और दूसरी चीज़ देख लेते हैं आप, जैसे इंजन मैंने बताया आपको 2000 तक रेव करना ही पड़ेगा जब भी कुछ पिकअप लेगा आपका ये तो। और दूसरा डिसएडवांटेज मेरे को लगा यार, डीजल इंजन है, कम से कम 6 गियर तो दे देते, 5 ही गियर है इसमें, सही में 5 गियर है सिर्फ, 6 गियर होते तो और थोड़ा इसमें जो वाइब्रेशन आती है डीजल इंजन से वो थोड़ी और कम हो जाती, एवरेज थोड़ी और बढ़ जाती, बट ना हम क्यों देंगे, 5 ही दिए हैं हमने तो, ठीक है भाई 5 दिए तो हम भी चला रहे हैं। तो और देख सकते, और इसकी जो कमी लगी है साइड के दरवाजे देख रहे हो ना, इतना हल्की टीन है इसकी साइड के दरवाजों की, इतनी हल्की टीन है, बंद करोगे ना ओल्टो के भी इससे भारी लगते हैं भाई पल्ले बंद करने में। हालांकि 4 स्टार है वो, बस अंदर जो इसका फ्रेम है वो 4 स्टार दिला रहा है इसको, बाहर की बॉडी में इसमें 4 स्टार क्या, 1 स्टार के लायक नहीं है गाड़ी ये, इतनी हल्की टीन है। ये सिर्फ ये सोच के इन्होंने बनाई है कि भाई गाड़ी के अंदर बैठे धूल मिट्टी से बचाएगी, चलती रहेगी बस, मना नहीं करेगी, चलती रहेगी धूल मिट्टी से बचाएगी, ज़्यादा कुछ इससे एक्सपेक्ट मत करो। अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भाई साहब जेब बड़ी करो, 20-22 लाख फूको हमारी, वो लो एल्टिस लो आप हमारी, जब भी आपको कुछ थोड़े बहुत, और एल्टिस की क्या बात करें, एल्टिस में और फीचर नहीं है साली में, बस प्रीमियम क्वालिटी थोड़ी लगती है, फीचर्स उसमें भी नहीं है। तो ये एक नेगेटिव इसका हो गया भाई। और नेगेटिव की बात कर ले इसमें, अब ये देखो यहाँ पे हाथ रखने का कुछ नहीं है, कहाँ हाथ रखे भाई, चलो ठीक है बजट कार है नहीं प्रोवाइड करा है ये बात मैं फिर भी समझ सकता हूँ, बट स्विफ्ट डिजायर तो आपका कॉम्पिटिटर है, उसमें तो प्रोवाइड कराया गया भाई, आप भी प्रोवाइड करा सकते हो, स्विफ्ट डिजायर के टॉप मॉडल में आता है, बेस मॉडल नहीं है, टॉप का भी एक्सक्लूसिव दे रहा हूँ चला रहा हूँ मैं, इसमें तो कम से कम प्रोवाइड करा सकते थे, बट नहीं हम क्यों प्रोवाइड करेंगे, टोयोटा हम तो बस इंजन का पैसा लेते भाई, 20-30 हज़ार फालतू ले लो, बट जो बेसिक फीचर्स है उन्हें तो पूरा कर दो। आज के टाइम में इतना बेसिक है फोल्डिंग, सिडान कार में आप समझ सकते हो फोल्डिंग मिरर नहीं है आपके पास, और वो भी टॉप मॉडल में, बेस मॉडल में सेकंड बेस में समझ आता है, बट टॉप मॉडल में आपको कुछ नहीं मिला फोल्डिंग नहीं, आपको हाथ से बंद करना पड़ता है, कहीं गाड़ी वाड़ी आगे जाता जाम में आपको ऐसे झुक के उसे बंद करना पड़ेगा, कितनी दिक्कत होती है उसमें यार, जब चलाओगे जब आपको पता चलेगा इस चीज़ का, काफ़ी दिक्कत होती है इसमें। और जो मैं बात करूँ आपको इंजन से रिलेटेड, इंजन में जो है आवाज़ थोड़ी जरूर आपको देखने को मिलेगी, जैसा पता आपको डीजल इंजन है, डीजल इंजन आवाज़ करती है, इंसुलेशन और थोड़ी बेटर हो सकती थी बट जैसे गाड़ी की इंजन बॉडी थोड़ी हल्की है तो वो एक इशू है, आवाज़ आती है आपको, ये अच्छा है इसमें, पीछे से कोई हॉर्न देगा तो जब भी फटाक से आपको सुन जाएगा। बलेनो वगैरह में, स्विफ्ट डिजायर वगैरह में जो है इंसुलेशन थोड़ी बेटर है, उसमें आपको हॉर्न की आवाज़ इतने अच्छे से नहीं सुनती, ये इसका एक मेरिट भी है, बड़े अच्छे से आपको आवाज़ सुनाई दे जाती है इसकी गाड़ी पीछे से क्या आ रही है, कौन कहाँ से हॉर्न मार रहा सब पता चल जाता है। विजिबिलिटी की बात भी करूँ तो ठीक ठाक विजिबिलिटी है। अब देखो 10 लाख रुपए लिए, टच स्क्रीन प्रोवाइड कराई गई, सब प्रोवाइड कराया गया, कोई कैमरा नहीं दिया भाई साहब, कैमरा नहीं है गाड़ी में, कोई रिवर्स कैमरा नहीं है, 10-11 लाख रुपए आप ले रहे हो फिर भी आप रिवर्स कैमरा प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, हालांकि डिजिटल डिस्प्ले प्रोवाइड करा रहे हो पर कैमरा नहीं दे रहे हो आप। सेंसर्स की बात करो, सेंसर्स भी 2 ही हैं अगली में भाई, इतनी चौड़ी सी गाड़ी, चौड़ी है थोड़ी गाड़ी, बाहर से देखोगे तो प्रॉपर सेडान वाला साइज है इसका, जो वरना का होता है उसी के आसपास का साइज है इसका, तो आप देखो आप 2 सेंसर्स प्रोवाइड करा रहे हो, पीछे कम से कम 4 होने चाहिए, क्योंकि बीच में ना कभी कभी उसका बन जाता है ऐसा जोन जो उस सेंसर 2 जो पकड़ नहीं पाते, कोनों में खासकर होता है वो पकड़ नहीं पाते कि क्या है क्या नहीं है, तो 4 होते तो और बेटर होता। तो ये सब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है भाई, पॉजिटिव की वीडियो नहीं देखी तो पॉजिटिव की देख लेना, कभी आप सोचो साला बुराई ही कर रहा है गाड़ी की, बुराई नहीं भाई इसमें अच्छाई बहुत है, पैकेज बहुत अच्छा है 10 लाख में, बट ये मैं कुछ बता रहा हूँ जो बेसिक है जो होनी ही होनी चाहिए और वो भी इसमें नहीं है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है इसका। अब ये देखो आप रोड नॉइस,
बॉडी हल्की है, इसमें इंसुलेशन अच्छी नहीं है, तो रोड नॉइज जो है काफी अंदर तक आती है। अगर नया नया रोड बना है कहीं पे तो उस पर तो साइलेंट हो जाती है गाड़ी, बट जैसे थोड़ा पुराना रोड है इस पर रोड नॉइज अंदर तक आती है। इसका सोल्यूशन यही है, अगर आपको रोड नॉइज पसंद नहीं है तो आप डैम्पिंग वगैरह करा लीजिए गाड़ी में, उससे आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाएगी। और सबसे और जो मैं इसकी डिमेरिट बताऊँ वो होगा इसका म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम में भाई जैसे मैंने बताया हैंग हो जाता है, चलता नहीं है, दोबारा गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, हैंग ही पड़ा रहता है। जब देखो जब हैंग रहता है, अभी चल रहा है, अभी थोड़ा सर्दियों का टाइम है, गर्मियों की बता रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके चलोगे ये हैंग हो जाएगा, जैसे स्टार्ट करके चलोगे 2-4 किलोमीटर चलोगे ये हैंग हो जाएगा, इन्हीं से ही सब ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये अगेन एक डिमेरिट है इसका। म्यूजिक सिस्टम स्पीकर तो देखो, स्पीकर 6 साल हो गए गाड़ी को, पीछे एक दिन धूप में खड़ी करी, पीछे पिंगल के उसकी सारी पेस्टिंग छूट गया, वो फटे बराबर है, अब वो मेरे को फिर से रिपेयर कराने पड़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ म्यूजिक सिस्टम है, काफ़ी कॉमन सा है। तो ये सब इसके कुछ डिमेरिट्स है भाई। जो मेरा ओनरशिप था, मैंने खुद गाड़ी चलाई है तो मेरे को पता है क्या कुछ इसमें बढ़िया है, क्या कुछ इसमें बेकार है, वो मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो मैंने आपको बनाई है क्योंकि अब सेकंड हैंड गाड़ी की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, जब से बंद हुई है इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई सेकंड हैंड में। तो अगर आप देख रहे हो तो ये सब चीज़ें आप कंसिडर कर लेना, ये सब चीज़ें आपको फेस करनी ही करनी पड़ेगी। और अगर आपका बेस मॉडल या कोई देख रहे हो तो उसमें और आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हालांकि ज़्यादा नहीं, बेसिक फीचर सेफ्टी से रिलेटेड तो सभी देते हैं, ABS, EVD, ड्यूल एयरबैग, ये सब तो है इसमें कॉमन है, हर मॉडल में कोई सब ले लेना। बट फीचर्स के आप थोड़े शौकीन हो तो इस गाड़ी से परहेज ही करना, आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ ऑफिस आने जाने के लिए चाहिए, डेली कम्यूट के लिए चाहिए, गाड़ी बढ़िया है, आँख बंद करके ले लो, ज़्यादा फीचर्स की उम्मीद करना मत, ज़्यादा लग्जरी की उम्मीद करना मत। तो यही कुछ साइज गाड़ी का मैंने आपको चला करके बता दिया। इंजन परफॉर्मेंस भी ठीक है, आपको 2000 के बाद काफ़ी पुश मिल जाता है, एवरेज भी ठीक ठाक है, तो देख सकते हो गाड़ी आप। तो मैंने आपको बता दिया, जल्दी से फिर से हाजिर होंगे आपके साथ एक और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, नमस्ते।